का सुरेश जी आप ऐसे क्यों रहते हो? मैंने कि कामयाब बनने के लिए। मतलब क्यों? मतलब जैसे पब्लिक खुश वैसे अपन काहे को बिगड़ता है? पैसा टकले बनने रहा है तो काहे को बनने रहे? मैं तो रोज बन जाऊं टकले, देख रहा यस यू नो। पब्लिक को समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? अरे जिंदगी भर पूरी जीवन बिता दिया आपने, पूरा जीवन बिता दिया, ऐसा नहीं होगा तो अब क्या होगा? तो छोड़ो, ये बंद करो और आज अपने मुर्दों से एक जगह कर देखो, आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके कि अंदर कौन बैठा है, कितना भयानक शैतान बैठा है जो आप उसे जगा सकते हो। यदि मैं अपनी कामयाबी और अपने टारगेट और अपना लक्ष्य श्रीमान जी यहां बता दूंगा ना, तो 75% कोमा में चले जाएंगे, हॉस्पिटल फेंक हो जाएंगे। मैं बताऊंगा नहीं आज। हाँ क्यों? क्योंकि पागल को देख के ही पता लग जाता होने वाला क्या है। यस यू नो। अब मैं मेरा काम खत्म करते हुए मैं एक ऐसा महापुरुष को जिन्होंने मेरा जीवन बदल के रख दिया, मेरा नहीं, कई सैकड़ों लोगों को जीवन बदल दिया, कई सैकड़ों। क्या आप उस महापुरुष से मिलना चाहते हो? यस यू नो। यस यस यू नो। आवाज सबकी निकली, अब बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेरे गुरु मेरे आदरणी को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, उससे पहले मैं आपको उनको बुलाऊं, उससे पहले आपको राम रहीम अल्लाह वाहेगुरु जिसको भी मानते हो उससे प्रण करना कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, वो जैसे जैसे शब्द बोले, जितने भी शब्द बोले, मुझे एक धारणा दे दो सोच का, मुझे धैर्य की एक सुई दे दो, मेरी सोच का एक धारणा दे दो, धैर्य की एक सुई दे दो, प्रभु मुझसे एक गठान नीचे बांध दो, उनके एक एक शब्द में उस सुई से पहनाऊंगा, जितनी दौर वो बोलेंगे इतने मोती पहनाऊंगा, उस माला को पहनाने के बाद मुझे इतनी शक्ति देना कि उस माला को मेरे कंठ पे रखूं और मेरे गले में पहन लूं, मेरा जीवन उसे पहन के धन्य हो जाएगा। भूल चुने डाकर कोई पास में नहीं आएगी नेगेटिविटी। मैं लिख कर देता हूं आज कि आज आपका जीवन बदल जाएगा यदि वो एक एक मोती अपने अंदर रखा तो। क्या है हनुमान चालीसा? क्या है गुरुवाणी? विश्वास। क्या है? विश्वास। और विश्वास को आपको करना होगा आज। मेरे मित्र यहां बहुत सारे बैठे हुए हैं, मुझे पूर्ण रूप से मालूम है मेरे सारे मित्र कहां कहां से आए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरि जी की पूरी टीम, दीपक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी पूरी टीम को। अब मैं उस महापुरुष को बुलाता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मेरे महागुरु गुरु द्रोणाचार्य को मैं बुलाता हूं तो मेरे से ऊपर से नीचे तक आग लग जाती है। मैं उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन आपको उस परमात्मा को याद करना है। सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपकी आंख बंद करो, समय बंद करो, आंख बंद, सब एवरीबॉडी आंख बंद होनी चाहिए, किसी की भी नहीं। मेरे साथ बोलेंगे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं जो मीटिंग में जो जो बातें बताई जाएगी मैं उन्हें अपनी सोच और विचार मैं बदलूं और मैं कामयाब बनूं। मुझे शक्ति दो परमात्मा, मुझे शक्ति दो परमात्मा। दुखी आत्मा नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे, बोले मुझे शक्ति दो आत्मा, परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी जोरदार ताली देनी चाहिए, जोरदार ताली के साथ मैं बुलवाना चाहता हूँ मेरे गुरु द्रोणाचार्य को, मेरी अप्लाई जोरदार तालियों के साथ, और जोरदार तालियां, अभी नहीं, और जोरदार तालियां, और जोरदार तालियां, मेरे अप्लाई धर्म सर को बुलाना चाहूंगा, कोटि कोटि नमन करता हूँ, जोरदार म्यूजिक के साथ अप्लाई करता हूँ, क्रॉस द स्टेज माय अप्लाई द गुरु द्रोणाचार्य सुधीर सर सेंसी, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के बरस तेरी चुनक धानी कर देंगे अब के बरस। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले
नमस्कार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का।